मैं डॉक्टर ताबिना सुल्ताना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में आज सभी का स्वागत है। मैंने इसके पहले अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर के लेक्चर सीरीज में इंट्रोड्यूसिंग अंबेडकर के बारे में बताया था, उसी के आगे मैं आज जो है अंबेडकर ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में बताऊंगी कि अंबेडकर की पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या है। सबसे पहले जो है बड़ौदा के शासक द्वारा सहायता। समय बीतता गया, बी आर अम्बेडकर ने विद्यालय की शिक्षा पूरी की और बम्बई में एल्फिस्टोन कॉलेज में प्रवेश लिया। अभी विश्वविद्यालय की शिक्षा अधूरी थी कि इनके पिता के पास जो है धनाभाव हो गया और एक मित्र इस युवा स्नातक विद्यार्थी को बड़ौदा के गायकवाड़ के पास ले गए और गायकवाड़ द्वारा दी गई छात्रवृत्ति के सहारे वो अपनी स्नातक उपाधि प्राप्त कर सके। स्नातक होकर जब भी अम्बेडकर गायकवाड़ महोदय के पास गए और धन्यवाद देने के लिए, तो उनको जो है आश्रय का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने पूछा कि क्या आगे अध्ययन के लिए वो विदेश जाना चाहते हैं, तो इस प्रस्ताव को सुनकर वो खुशी से उछल पड़े और न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनके प्रवेश की व्यवस्था की गई। अमेरिका के समुद्र यात्रा के लिए रवाना होने से पूर्व प्रतीक्षा काल के दौरान के लिए गायकवाड़ ने उन्हें सुझाव दिया कि अपने पूर्वजों की परंपरागत वृत्ति में प्रवेश करें और उन्हें बड़ौदा के राजकीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद दिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, राजनीति और नैतिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हुए स्नातकोत्तर होकर पीएचडी भी उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1971 में वे लंदन गए और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अनुसंधान का कार्य करने के का प्रारंभ किया। साथ साथ जो ग्रेज इन में भी इन्होंने प्रवेश लिया। भारत लौटकर उन्होंने अपनी सेवाएं उस व्यक्ति को अर्पित की जिसने उसकी मदद की थी और उन्हें बड़ौदा के अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में प्रोविजनर के रूप में नियुक्त किया गया। फिर बड़ौदा का उनका जो अनुभव क्या था कि डॉक्टर अम्बेडकर कई वर्ष तक विदेश में रहे और बहुत से मित्र बनाए जिनमें भारतीय, अमेरिकी और यूरोपीय थे। उन लोगों ने उन्हें भी कभी अछूत नहीं समझा। इस प्रकार उनके मन में ये भावना बहुत कुछ समाप्त हो गई थी कि वो दलित वर्ग के नहीं है। दलित वर्ग से निकट उनका संपर्क था। उनके मन में ये भय था कि श्रवण हिंदू अधिवक्ता और वकील जिन पर वो कानूनी हिदायतों के लिए निर्भर होंगे, भेदभाव बरतेंगे, उनकी वकालत में बाधा पहुंचेगी। निगाधा निकाला और उन्होंने मुंबई में दीवानी के अच्छे वकील के रूप में स्थान बना लिया। बम्बई और नागपुर विश्वविद्यालय तथा बम्बई उच्च न्यायालय ने उन्हें विधि विषय का परीक्षक बनाया और कुछ समय तक राजकीय विधि महाविद्यालय मुंबई में आचार्य एवं प्रधानाचार्य के पद पर भी रहे। अब इनकी राजनीतिक क्रियाकलाप के बारे में बताऊंगी। डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के नेता के रूप में राजनीति में भी प्रख्यात हो चुके थे। उन्होंने 1926 में मुंबई विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया और 11 वर्ष बाद जो है बम्बई जो है विधानसभा के लिए बम्बई नगर से अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। वो लंदन में 3 गोलमेज सभाओं में थे और उस संयुक्त संसदीय समिति में भी अपने लोग के लिए लड़े जिसने वो विधेयक तैयार किया था जो भारत सरकार का अधिनियम 1935 का आधार जो है बना है। छुआछूत का कलंक डॉक्टर अंबेडकर का व्यतीत राष्ट्रीय स्तर का था, फिर भी वो छुआछूत के कलंक से नहीं बच सके। वर्ष 1929 में जब वो अछूतों की कुछ शिकायतों की छानबीन करने वाली समिति में काम कर रहे थे, तो वो खानदेश जिले में गए
और वहाँ 40 गांव नामक स्थान पर स्थानीय महारों ने उनका स्वागत किया। रेलवे स्टेशन पर बहुत देर इंतजार करने के बाद उन्हें एक तांगे में बैठाया गया। तांगा महारवाड़ की ओर चल पड़ा जहाँ महारों की बस्ती थी। तांगे वाला अनाड़ी और अनुभवहीन था और एक पुलिया पर घोड़ा अड़ गया और जिससे डॉक्टर अंबेडकर पथरीले रास्ते पर गिर गए और गंभीर रूप से जो है घायल हो गए। तब उन्हें पता चला कि अछूतों को तांगा कठिनाइयों से मिलता है और चूंकि कोई तांगा चालक उन्हें लेकर जाने को तैयार नहीं था, इसलिए महारों में से एक ने स्थिति को संभाला और अपने नेता के प्रति होने वाले जोखिम को और ध्यान से दिया।